हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, सीन कुछ ये हैं कि फाइनली फाइनली हम पाकिस्तान की लेजेंड मूवी, पाकिस्तान नंबर वन लेजेंड मूवी, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस मूवी का नाम जिक्र कर रहा हूँ, हम देखने जा रहे हैं फाइनली मौला जट। अभी टाइम हुआ 10 बजे हैं, थोड़ा सा काम शाम है वो करेंगे, उसके बाद जो जिन जिन्होंने जाना उनको मैसेज करेंगे, एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होकर फिर हम निकल जाएंगे आगे फिल्म देखने के लिए। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, सीन कुछ ये है, अभी बज रहे हैं 10 और थोड़ा सा काम शाम है वो करेंगे, ठीक है। करने के बाद नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद अपन करेंगे कपड़े इस्त्री, फिर अपन एक दो काम है वो निपटाएंगे, निपटाने के बाद फिर हम चलेंगे रात में मौला जट देखने के लिए। और इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी मूवी है, आपको भी देख के अच्छा लगेगा। मुझे तो देखनी देखनी थी क्योंकि आपको पता है मैं फिल्म मूवीज़ का बहुत क्रेज़ है मुझमें। और अनफॉर्चुनेटली मेरे जो वालिद साहब थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, उनको भी बहुत शौक़ था मूवी का, और कह सकते हैं कि और कोई खूबी उनकी मेरे में आई आए ना आए, लेकिन मूवीज़ के रिलेटेड आई है। और अब हम लोग जा रहे हैं सारे, अभी नहीं रात को जाएंगे मौला जट देखने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि फ़िल्म अच्छी होगी, जिनसे जो जो लोग देख के हैं उन सब ने बहुत तारीफ़ की है, मैंने भी उसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी है, इंटरनेट पे, इंस्टा पे, हर तरफ मैंने उसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी है। तो अब हम लोग जाएंगे, देखेंगे और फिर हम आपको भी दिखाएंगे कि कैसा का माहौल है। और अभी जो हमारा जो है वो सिनेमा जो है वो डिसाइड नहीं हुआ, कुछ लोग कह रहे थे कि भजन इम्पोरियम जाना है, कुछ कह रहे थे कि क्यू सिनेमा जाना है, कुछ कहीं कह रहे थे। तो अभी सिनेमा जो है वो फाइनल नहीं हुआ, जो टिकट्स हैं वो मैंने ऑन द स्पॉट टाइम पे ही लेनी है जाके। तो मिलते हैं अब आपसे सिनेमा में रात को। तो ये लौंडा दीवार के साथ रगड़े खा रहा है। तो गाइस, सीन को ये अभी बज रहे हैं 6 और हम लोग निकल रहे हैं सिनेमा के लिए, और मिलते हैं हम आपको सिनेमा में। लेट्स गो। हम लोग अभी रोड के ऊपर है, नहर कैंपस रोड के ऊपर, और हम लोगों का सफर है थोड़ा सा आगे जाके क्यू सिनेमा की तरफ। और अब हम लोग जा रहे हैं क्यू सिनेमा, और रास्ते में मोबाइल जो जेब में डाल लिया था उसका रीज़न ये था कि पीछे से कोई आ गया था। और फाइनली हम लोग क्यू सिनेमा पहुंच गए। तो गाइस, सीन कुछ ये है कि हम लोग क्यू सिनेमा आ गए हैं, अब हम चलते हैं अपनी टिकट के लिए। तो मिलते हैं आपको कैश काउंटर के ऊपर। और ये है जी हमारा एक्सप्लोरियर मौला जट। टाइम 8 बजे का, 7 में नहीं अवेलेबल है। 7 का पैक है। तो जी दा काफ़ी गया है टिकट लेने के लिए, और टिकट हमें मिल रही है 8 o'clock 8 PM की। तो अब राफे साहब टिकट लेके आएंगे और फिर देखेंगे कि फिर जाएंगे मूवी।
बेस्ट सीन इसलिए है कि फाइनली हम लोग क्यू सिनेमा में दूसरी दफ़ा आए हैं और हमें टिकट्स नहीं मिली। पता नहीं क्या हमारे नसीब है, क्यू सिनेमा में आके हमें टिकट नहीं मिलती। कोई भी मूवी से पहले हम लोग देखने आए थे छोटी पे, मेरे ख्याल से कायदे आज़म की भी टिकट हमें नहीं मिली। जब हम लोग काउंटर पे गए थी आए टाइमिंग का मशवरा करने के लिए आए, जब टाइमिंग फाइनल की तो गए तो वो भी सोल्ड हो चुकी हुई थी। अब मौला जैदी का भी यही है, अभी थोड़ी देर पहले टिकट मिल रही थी, सेपरेट है कि हमने कहा चलो ले लेते हैं, क्या करें, लेनी तो है, अब आ तो गया लेनी तो है। लेकिन जब अब लड़का लेने गया टिकट तो फाइनली वो भी सोल्ड आउट हो गई। अब देखते हैं कि कौन से सिनेमा जाते हैं, सिनीपैक्स इम्पोरियम वाले जाते हैं या पैकेज में जाते हैं, अब देखते हैं। बोल तो स्पाइक भाई आपकी क्या राय है, एक दफ़ा फिर क्यू सिनेमा में आए और टिकट्स जो है वो हमें अवेलेबल नहीं हुई? पहली बार की ख्वारी है, अब क्या कर सकते हैं, पहली बार आए और पहली बार में ख्वार हो गई। तू पहली दफ़ा आया, हम लोग सेकंड टाइम आया, हम पहली दफ़ा कायदे आज़म के लिए आए थे तब भी हमें टिकट नहीं मिली थी। तब भी ऐसे ही कोई सीन था कि हम लोग आए थे क्योंकि हमें इस तरह टिकट्स मिल रही थी तो हमने मशवरा किया, तो फिर जब राफी भाई को मशवरा करके ओके करके भेजा कि जाएं आप टिकट ले लें, तो चलो अब देखो जो अल्लाह की मर्जी आगे देखो। अब हमारे पास जो चौथा पार्टनर था हमने उसको कह के जा तू कैश काउंटर पे जा और जा के देख कि टिकट अवेलेबल हैं कि नहीं है, उसको कह के जा ले के आ टिकट। अब वो गया, अब देखते हैं कि वो क्या रिपोर्ट ले जा, नहीं आएगा तो फिर भाई जान पैकेज मॉल जिंदाबाद। Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's living in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Coming soon is Packages Mall. Guys, finally scene कुछ ये है कि हम लोग Packages Mall आ चुके हैं और हमारी tickets जो हैं वो book हो चुकी हैं। तो ticket जो book हुई हैं वो हुई हैं 8:15 की ticket है मौला जेट की। तो फाइनली हम लोग आज पैकेजेस मॉल में देख कर ही जाएंगे मौला जट। गाइस फाइनली हम लोग पैकेजेस मॉल में आ चुके हैं और इस मूवी स्टार्ट होने में सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं सिनेमा की तरफ। नहीं डिग जाएगा तो बड़ा महंगा और नहीं डिगदा यार, साल की हो गया। तो गाइस फाइनली ये हमें टिकट्स मिल चुकी हैं लेजेंड ऑफ मौला जट। तो जी क्या असरात हैं आपके? इसके जो मुस्बत असरात मुरत्तब हो रहे हैं उसके ऊपर, इसका मुस्बत असरात बंदे की वजह से ना, इस बंदे की वजह से हमें क्यू सिनेमा में टिकट नहीं मिली, ये बंदे की वजह। आ चुकी हैं और टाइम जो है वो तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं, तो फिर हम लोग जाएंगे सिनेमा देखने के लिए, यानी कि लेजेंड मौला जट। राफी भाई आपके क्या असरात हैं? मुस्बत असरात हैं अभी राफी साहब के। तो मिलते हैं आपसे सिनेमा के अंदर। Slow spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time? You're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know. Guys, see, this is that movie interval. ये सब फिल्मों की तरह लगता है ना? असल जिंदगी में ऐसा ही होता है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग, सारी जिंदगी भरम में जीते हैं और खुशफहमी नहीं, मर जाते। तो गाइस सीन कुछ ये है कि हमने मूवी मौला जट देख लिया, फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई और पंजाबी इतनी कमाल की बोली हुई है, इतनी कमाल की लैंग्वेज बोली हुई है, मैं कहती हूँ क्या बात है कि हम लोग पैकेज मॉल में देखने के लिए आए थे इतना सफ़र करके, पहले हम क्यू सिनेमा गए वहाँ से फिर हम पैकेजेस मॉल में आए इतना ट्रैवल करके, लेकिन हमारे पैसे जो हैं वो भजन मौला जट के पूरे हो चुके हैं और बहुत ही मज़ा आया। अब हम लोगों से रिव्यू लेते हैं, लोगों से क्या लेना है, जो सात लड़के आए हुए थे अपने इन्हीं से रिव्यू लेते हैं, ये क्या राय देते हैं मौला जट को लेके, इनसे पूछते हैं। और कुछ नहीं बचा तो राफे भाई कैसी लगी आपको मूवी मौला जट?
वो भी अच्छी थी, पंजाबी में थी, पंजाबी सुनने के पंजाबी जितनी मर्जी की सी, ठीक है। मैं एक ही डर सी कि जिन्होंने पंजाबी नहीं आती होगी उन्होंने की हाल होगा। हाँ तो आपके आगे बैठी तो हुई थी एक लड़की उनको पंजाबी बिल्कुल नहीं आती। हाँ जी फाइक साहब आपकी क्या राय है? फिल्म अच्छी थी बस बड़गड़ बचे दूर रहे। क्या कह रहे हैं आप? फिल्म बहुत अच्छी थी लेकिन बड़गड़ बचे दूर रहे, मम्मी डैडी बॉयज दूर रहे इससे, क्योंकि पंजाबी गाड़ी पंजाबी इस्तेमाल की गई है कई जिनको नहीं आती तो वो ना देखें, उनके लिए एडवाइस है नीचे इंग्लिश लिखी है जिनको इंग्लिश आती है। जी भाई राफी भाई ने दे दिया और राफी साहब ने और फाइक साहब ने राय दे दिया है, जो बर्गर बच्चे हैं वो मौला जट की तरफ ना देखें, उनको समझ नहीं आनी। अगर तो जिसको पंजाबी आती है वो देखे, मैं कहता हूँ क्या बात है क्या पंजाबी बोली हुई है, मैं कहता हूँ आला आला हर बंदे की एक्टिंग आला। अब हमारा एक और भाई है वो भी रिव्यू देगा, वो भाग रहा है, ये ऐसे भाग रहा है जैसे ये देखें जैसे खोते के सर से सींग गायब होते हैं। सीन कुछ ये है कि मूवी तो हमने देख ली है, अब चलेगा बर्गर या शॉर्मा, पिज़्ज़ा चलेगा जी फाइक साहब कह रहे हैं, और पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के हैं, पिज़्ज़ा भी केक ही राफे साहब और पिज़्ज़ा खाएंगे जी हमारे फाइक साहब को पापा जॉन बहुत पसंद है, ठीक है पापा जॉन बहुत पसंद है तो पापा जॉन खाएंगे और फिर अपन निकलेंगे अपने अपने घर को। ये है कि खाना अब हमने खा लिया है, ठीक है, और अब हम लोग देख रहे हैं कुछ थोड़ा वो मीठा जीठा खाने को मिल जाए वो खाएंगे और फिर अपन निकलेंगे अपने घर के लिए। YouTube channel, please subscribe this channel.